बीते सप्ताह इंदौरखी गांव में जहरीली शराब कांड में चार लोगों की मौत के बाद भिंड पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब निर्माण करने वाले धर्मवीर बघेल समेत चार माफियाओं को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। साथ ही जहरीली शराब कांड में आज पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए रतनुपुरा के पास स्वतंत्र नगर में धर्मवीर बघेल के निर्माणाधीन मकान को एंटी माफिया कार्यवाही के तहत प्रशासन और नगरपालिका की मदद से जेसीबी चलाकर जमीन दोज कर शराब माफियाओं को कड़ा संदेश दिया है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पाई जाती है तो उससे कमाई गई और अर्जित संपत्ति को प्रशासन तहस नहस कर देगा। आपको बता दें कि इस साल में भिंड पुलिस के द्वारा एक दर्जन से अधिक अवैध रूप से संचालित शराब फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी हैं और माफियाओं को सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया गया है। और आपको बता दें कि इंदौरखी गांव में जहरीली शराब से चार लोगों की मौत हो गई थी। उनमें एक मृतक पप्पू के भाई लाखन के द्वारा बताया गया कि जहरीली शराब से मृतक और कुछ ग्रामीण भिंड के स्वतंत्र नगर में धर्मवीर बघेल के घर में 500 रुपए की मजदूरी पर शराब बनाकर आए थे। उनको 12 क्वार्टर मिली थी, इसमें पीने से चार लोगों की मौत हो गई थी। लाखन के खुलासे के बाद पुलिस सक्रिय हुई और धर्मवीर बघेल के घर के पास स्थित एक अन्य आरोपी विकास के घर में छापा मारा और अवैध शराब के 1000 क्वार्टर बरामद किए। चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज शराब माफिया धर्मवीर बघेल का मकान एंटी माफिया के तहत जमींदोज कर दिया है। देखिए, अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत जो हमारे को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए थे, उसमें आज स्वतंत्र नगर में एक धर्मवीर बघेल जी थे, पुत्र श्री बदन सिंह बघेल, उनका मकान अवैध और बिना परमिशन के और बिना डायवर्शन के अवैध कॉलोनी के तहत बन रहा था। ऐसे निर्माणाधीन मकान को आज हमने नगर पालिका ने और पुलिस प्रशासन के सहयोग से उसको गिरा दिया है। सर, धर्मवीर बघेल जहरीली शराब के मामले में गिरफ्तार हुआ, तो क्या इस कार्रवाई को एंटी माफिया कार्रवाई के तौर पर देखा जाए? एंटी माफिया और अतिक्रमण विरोधी दोनों ही कार्रवाइयां हैं। अभी थाना रोहन के अपराध में धर्मवीर बघेल को गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा एक रूप से जहरीली शराब का निर्माण किया जा रहा था। इसकी जो संपत्ति है, जब उसकी जानकारी ली गई तो उसका एक अवैध रूप से एक निर्माणाधीन मकान था, जिसको आज प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है। तो सर, ये एंटी माफिया कार्रवाई माना जाए इसके? दोनों कार्रवाई है, एंटी माफिया और एंटी अतिक्रमण। कोई और भी कार्रवाई की उम्मीद है? अभी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, जहां भी हमको इस प्रकार की सूचना मिलेगी हम लोग कार्रवाई करेंगे।